तो जो दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया था कि आ गया एक इशू, मेरा बैटरी डाउन हो गया था। तो एक बैटरी डेड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और मेरे पास दो बैटरी था, एक बैटरी लगा दिए। तो इशू के चक्कर में हम लोग जो रुके स्कूल के ऊपर, आप देखिए कैमरा घुमाते हुए, स्कूल के ऊपर हम लोग रुके। तो पुल के ऊपर रुकने का हम लोग का सबसे बेस्ट ऑप्शन निकला। बोले कैसे, हम लोग रुके हुए थे बैटरी के इशू के लिए, बैटरी चेंज किए, फिर देखे कि पुल के नीचे खूब खूबसूरत दृश्य है। यहाँ खूबसूरत दृश्य क्या किए, एकदम मस्त, यहाँ झरना है, सब कुछ है। यहाँ आपको कैमरा इधर दिखाते हैं, एक मिनट। हाँ, तो जैसे आपको बताया कि देखिए जैसा झरना है, इसी पुल के ऊपर हम लोग रुके थे, और उसके बाद ही पता चला कि हम लोग है पानी आ गया। एक मिनट रुकिए, तो देखिए वही दृश्य इधर है, और एकदम पुल के इस पार ऐसा दृश्य है। यह थोड़ा खाने में जा रहे हैं, डर लग रहा है थोड़ा सा, सेफ्टी को रखना होगा। तो हम लोग के बैटरी के चक्कर में हम लोग का वो अच्छा जगह मिल गया, लेकिन दोस्त एक चीज़ खाली थोड़ा सा दिक्कत है, बहुत धूप है। तो उसके लिए मैं लगा लेता हूँ गूगल, और ये राहुल भी अपना चैनल का अपना कैमरा से वीडियो बना रहा है। अरे क्या हो गया, पानी देखते हुए सर्दी आ गया क्या? पानी देख के आप देखिए, इधर इधर व्यू दिखाते हैं। तो
आप लोगों को जैसे बताया कि बैटरी के चक्कर में कितना मजा वाला जगह हम लोग मिस कर देते हैं अगर बैटरी मेरा डेड नहीं होता तो। ठीक है, इसके बाद आपको दिखाते हैं पूल का दृश्य। यहाँ से एकदम लंबा रास्ता तक देख रहे हैं पानी बहते हुए, आप देख सकते हैं। कैमरा का हमको लगता है जूमिंग ज़्यादा है नहीं। अच्छा राहुल, राहुल तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। हाँ। बताओ कि मेरा गूगल के साथ हमको कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना? अरे यार, चलो इस कमेंट के लिए शुक्रिया। चौक और जलेबी का एक साथ मजा आता है। जैसे कि बाइक में हमने बताया कि ये कूलिंग पॉइंट प्लस सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है, तो अब आपको दिखाते हैं
कि ये सुसाइड पॉइंट क्यों है। ये दोस्त बता रहे हैं कि ये जो पावर प्लांट है पानी के उस पार है पावर प्लांट, और ये जितना भी सारा पानी आपको दिख रहा है ये पानी उसका मशीन को ठंडा करने के लिए यहाँ से खींचता है। तो जिस टाइम मशीन चलता है तो उस टाइम सपोज इधर कोई अगर पानी के अंदर होता है तो उसको खींच लिया जाता है, इसलिए इसे सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि ये हैं राहुल के फ्रेंड जो कि यहाँ के बारे में पता है, यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, और इस सुसाइड पॉइंट के बारे में कुछ इनसे आप सुनिए। तो मोस्टली कूलिंग पॉइंट एक ऐसा जगह है जहाँ लोग नहाने भी आते हैं और जहाँ लोग प्रोफेशनल सुसाइड भी करने आते हैं। अब किसी का किसी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया या मार्क्स में कम आ गया, बोर्ड में कुछ हुआ, तो बस यहाँ सुसाइड कर लेना। मोस्टली उधर प्लांट वाला एरिया जो है उधर ज़्यादा होता है, क्योंकि उधर प्लांट के अंदर पानी खींचना स्टार्ट होता है तो वहाँ सक्शन ज़्यादा रहता है। तो मेरे एक दोस्त के साथ ही इंसिडेंट हुआ था जो कि वहाँ पे नहाने गया हुआ था, बट जैसे प्लांट के अंदर पानी खींचाना स्टार्ट हो उसी के साथ वो चले गया था, तो दो दिन बाद उसकी बॉडी रिकवर हुई थी वहाँ से। तो आप लगभग सोसाइटी पॉइंट के बारे में जान ही गए होंगे कि क्या है। आपको एक दूसरा सीन दिखाना चाहेंगे कि उसका ये जो मेन गड्ढा है ये कैमरा में नज़र नहीं आ रहा, और कैमरा हाथ में हम पकड़े हुए हैं इसलिए उसको सामने नहीं ले जा रहे हैं, कहीं छूटेगा तो फिर मेरा कैमरा भी जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ व्यू बहुत ही मस्त है, और बस सुसाइड का जो भी है जिसको मन होता है वो करता है, लेकिन वैसा करना नहीं चाहिए। बाकी और क्या बताएं, इसका व्यूज हम दिखाते हैं आपको। इस जगह में भी कुछ है, बहुत पुराना टनल वगैरह या कुछ। सारा सामान यहाँ हम लोग रखने वाले हैं उस टेबल में, उस टेबल में ये रख देंगे। और पनीर का मिक्स, अब मिक्स वेज सुने होंगे, पनीर मसाला सुने, लेकिन पनीर और चिकन का मिक्स नहीं सुने। ये थाली में मिक्स हो रहा है सब मिक्स।
सिर्फ चिकन ही खाते हैं। और आप ये तो जा सकते हैं भूखा बढ़िया कुछ नहीं। देखिए दोस्तों, आप देखें ये है करम जो लेमन चिली का स्टाफ है। हम लोग अच्छा से खाना खिलाए, कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से बार बार। और बीच में भी इसका वीडियो आया था तो पता नहीं बैटरी की वजह से आया कि नहीं आया है, लेकिन ये करण बहुत ही अच्छा है। आप वीडियो में देख सकते हैं, करण में देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये भैया है, आइए ना, लेमन चिली के मैनेजर भाई, ठीक है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ, हम लोग थ्रू से आएंगे तो मेरे साहब कुछ और प्लीज मेरे तरफ से आप लोगों को, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप भाई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना।